नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एजिंग या कंट्रोल्ड ऑर्गेज्म क्या होता है। मतलब ऑर्गेज्म जो है सेक्स का जो उच्चतम आनंद का जो पॉइंट है, ऑर्गेज्म जब इजैकुलेशन होता है, वीर्य बाहर निकलता है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को कैसा डिले करें और उससे सेक्स का आनंद कैसा ले, उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एजिंग को सर्फिंग भी बोलते हैं, पीकिंग, टीजिंग, कंट्रोल ऑर्गेज्म, एजिंग, ऐसे अलग अलग उसको नाम है। एजिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की सेक्स एक्टिविटी जिसमें एक्साइटमेंट आता है और एक्साइटमेंट तब तक आता है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचने तक उसमें मजा लेते हैं और ऑर्गेज्म को डिले करते हैं। ऑर्गेज्म डिले होना चाहिए, मतलब जो अत्युच्च पॉइंट है प्लेजर का, समाधान का, आनंद का जो अत्युच्च पॉइंट है वो पॉइंट को डिले करना। अब ये पुरुषों में भी होता है और औरतों में भी हो सकता है, दोनों में भी, मगर ज्यादा इसका फायदा पुरुषों में है क्योंकि पुरुषों को एक बार ऑर्गेज्म हो गया तो दोबारा ऑर्गेज्म करने के लिए बहुत टाइम लगता है, हो सकता है कि 1.5, 2, 3, 4 घंटे लग जाएंगे। औरत को तो एक के पीछे एक ऑर्गेज्म हो सकते हैं, तो ज्यादा इसका फायदा या ज्यादा इस्तेमाल उसका पुरुषों में ही किया जाता है। अब ये तीनों प्रकार के सेक्स में होगा, जैसा ओरल सेक्स है उसमें भी हो सकता है, एनल सेक्स में हो सकता है, और वजाइनल मतलब योनि मार्ग का जो सेक्स है पेनिट्रेटिव, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तीनों भी इसमें है। फिर ये एजिंग क्यों किया जाता है या उसके क्या फायदे हैं? तो नंबर एक कि भाई प्लेजर जो है, खुशी जो है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत आनंद आता है उसमें। और फिर जो ऑर्गेज्म फाइनल होगा, मतलब उसको लंबाते जाएंगे, जितना टाइम आप ज्यादा डालेंगे तो फाइनल ऑर्गेज्म जो होगा वो बहुत ही खुशी वाला होगा, तो वो खुशी के लिए टाइम बढ़ाते जाना, जल्दी ऑर्गेज्म होने देने का नहीं, नंबर एक। नंबर दो, दोनों पार्टनर एक साथ बहुत समय तक रहते हैं तो दोनों ज्यादा एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन अच्छा होता है। नंबर तीन, आत्मीयता बढ़ती है, इंटीमेसी, आत्मीयता, अपनापन, ज्यादा भावना बढ़ती है, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मेल फीमेल पार्टनर साथ में आए हैं, पति पत्नी का जमता नहीं है तो उसमें आत्मीयता ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा साथ में रहेंगे तो। नंबर चार, एक दूसरे का खुशी पॉइंट जो है, प्लेजरेबल पॉइंट, प्लेजर पॉइंट्स जो है शरीर के अपने, वो जानने के लिए भी ये जरूरी है कि भाई कहाँ कहाँ टच करते हैं, मसाज करते हैं, किस करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्लेजर मिलेगा, वो जानने के लिए भी एजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर पांच, खुद पर कंट्रोल है कि नहीं, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं अपने आप को, इसके लिए भी एजिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, कंट्रोल कर सकता हूं मैं, मेरा ऑर्गेज्म जितना चाहे उतना मैं लंबा सकता हूं। नंबर छह, प्री मैचुर इजैकुलेशन जो है, शीघ्र पतन, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एजिंग स्पेशली जो जब किया जाता है कि भाई बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं, फिर शनिवार रविवार छुट्टी है, और शनिवार रविवार छुट्टी है तो फिर क्या करना है भाई, जल्दी ऑर्गेज्म कर लिया, जल्दी इजैकुलेशन हो गया तो फिर दोबारा करने की इच्छा नहीं होती, तो इसलिए फिर लंबे समय तक चलना है, सैटरडे संडे 2 दिन चलाओ एजिंग, और इजैकुलेशन नहीं होने देने का है और मजा करने के, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों में एक्चुअली कभी कभी क्लाइमैक्स और ऑर्गेज्म इसको इंटरचेंजेबली वापर लेते हैं, और ऑर्गेज्म तभी बोलते हैं कि भाई उसमें इजैकुलेशन हो गया, मतलब वीर्य बाहर निकल गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसा होता रहता है और फटाक से वो वीर्य बाहर पड़ जाता है। उसके पहले एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, PNR, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, PNR। तो ये जो एजिंग है ये PNR के पहले होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो समय तक आप पहुंच गए, वो लेवल तक आप पहुंच गए, उसके बाद में कंट्रोल कराना मुश्किल है, फिर तो वीर्य बाहर निकल ही जाएगा। तो PNR का पॉइंट बाय प्रैक्टिस आपको मालूम हो जाएंगे कि भाई ये पॉइंट है, यहां मैंने रुकना चाहिए, यहां स्टिम्युलेशन बंद करना चाहिए, यहां मैंने मेरा ऑर्गन बाहर निकालना चाहिए, तो वो जरूरी है। फीमेल में जो है वो मल्टीपल ऑर्गेजम संभव है, एक ही सेशन में, एक ही सेक्स
के दौरान मल्टीपल टाइम्स उसको क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम या कमिंग बोलते उसको वो आ सकता है। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि 2% महिलाओं को, 2% महिलाओं को एक सेशन में 20 बार ऑर्गेजम हुआ जब एक स्टडी की गई, तो 8% महिलाओं को एक ही सेशन में, एक ही सेक्स एक्ट में 10 बार ऑर्गेजम हुआ। यूजुअली यदि सेक्स 10 से 15 मिनट चलता है सब मिला के, फोर प्ले आफ्टर प्ले इंटरकोर्स मिला के, तो एक एवरेज लेडी को 1 से 4 बार ऑर्गेजम हो सकता है एक सेक्स में। तो 5 में से 4 लेडीज ने यह बोला कि उनको सिर्फ यूनिमेलिंग डालने से ऑर्गेजम नहीं आता है, उनको क्लाइटरल स्टिम्युलेशन लगता ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई सेक्स करना मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करके सेक्स करना, नहीं। वो सिर्फ यदि वो करते हैं तो 5 में से 4 औरतों ने ये बोला कि भाई हमको मजा ही नहीं है, हमको ऑर्गेजम हुआ ही नहीं। तो यदि औरतों को ऑर्गेजम करना है तो मैक्सिमम औरतों का यही कहना है कि भाई क्लाइटरल स्टिम्युलेशन जरूरी है। अब ये सब स्टैटिस्टिक्स हमने देखा तो इसके बाद में हमको ये देखना है कि भाई फिर करना क्या है इसको पुश मतलब प्रोलॉन्ग करने के लिए। क्या होता है कि जब सेक्स एक्टिविटी चलती है तो एक एक्साइटमेंट आती है, एक्साइटमेंट आती है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, उसमें फिर मसल टेंशन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, क्योंकि एक प्रकार की एक्सरसाइज है ना, सांस लंबी लंबी लेना, बहुत सांस फूल जाती है, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उस समय फिर इजैकुलेशन होने का मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि उसके बाद में इजैकुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है कि बाद में फिर वो फेंके जाएगा। और औरतों को क्या होता है कि औरतों को भी होता है कि भाई नीचे वाले जो मसल्स है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएंगे, और एक आहा एक्सपीरियंस है, इंटेंस प्लेजर, उसको मतलब वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव का है वो इंटेंस प्लेजर, मतलब सर्वोत्तम अति आनंद का क्षण जो है जिसमें अपने आप को भूल जाते हैं वो क्षण। और ये औरतों को बाय गॉड ग्रेस मतलब 1 से 4 बार एक ही सेक्स में हो सकता है। आदमी का क्या होता है कि एक बार इजैकुलेशन हो गया, बाद में वो इरेक्शन आएगा नहीं, बाद में कठोरता आएंगे नहीं, और फिर 1.5-2 घंटा कोई किसको 4 घंटा, किसको 1 दिन, किसको 4 दिन, फिर सेकंड बार सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाता है। तो फिर आपको यदि ये करना है, एजिंग करना है, तो क्या करना है? एजिंग करना है तो आपको वो बाय प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जानना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि उसके बाद में कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके पहले मैंने कंट्रोल करना चाहिए, और उसके पहले फिर रोक देना चाहिए, फिर एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स करना, अपना मन कहीं भटका देना, लिंग योनि में से बाहर निकाल लेना, कहीं कोई काम में लग जाना या इधर उधर देखना, लंबी सांस लेना, ऐसा कुछ तो नहीं करना है कि आपका मन वहां से भटक जाएगा और थोड़ी देर के लिए इरेक्शन निकल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप मास्टरबेशन में कर सकते हैं, हस्तमैथुन में करते जाओ प्रैक्टिस, ताकि उस समय आपको कोई प्रेशर रहता नहीं है, उस समय कोई पार्टनर बोलने वाली नहीं रहती है, तो आप हस्तमैथुन में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई एक्साइटमेंट करना, इजैकुलेशन का टाइम आ गया तो रोक देना, तो वो हो सकता है, और मास्टरबेशन में प्रैक्टिस करके आप लंबा सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिनको जल्दी गिर जाता है, तो जिनका जल्दी गिरता नहीं है उनको लंबा करना है, तो उन्होंने स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक या स्क्विश टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक क्या होता है, जो मास्टर्स एंड जॉनसन ने दिया है कि भाई चालू रखो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आया उसके पहले रोक दो, बाहर निकालो, फिर कुछ समय बाद में फिर चालू करो, फिर रोक दो, ऐसा स्टॉप स्टार्ट टेक्निक ऐसा इस्तेमाल करना है। और दूसरा फिर क्या है कि भाई वो जो इजैकुलेशन होता है उसके पहले यदि आप वो जो ग्रू रहता है, मतलब सामने ग्लांस पेनिस है, बाद में ग्रू आता है, गड्ढा रहता है, वहां एक उंगली अंगूठा नीचे और 2 उंगलियां ऊपर, ऐसा करके आप जोर से प्रेशर देते हैं उसको, तो इसका ढीलापन आ जाएगा, इरेक्शन निकल जाएगा और इजैकुलेशन होगा नहीं। फिर फोर प्ले करना है, फिर खेलना है, फिर इरेक्शन आ जाएगा, फिर सेक्स करना है, फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पहले रोक देना है, फिर दबा देना है। तो जैसा इसका ये जो स्क्वीज टेक्निक है, इसका इस्तेमाल आप पी के लिए करते, शिखर पतन के लिए करते, वैसे जिनको शिखर पतन नहीं है मगर जिनको लंबा करना है ऑर्गेज्म, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
फीमेल सुपीरियर पोजीशन किया तभी भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब फीमेल सुपीरियर पोजीशन, औरत ऊपर से आती है सेक्स करने के लिए, इसमें भी एजिंग हो सकता है, मतलब डिले हो सकता है इजैकुलेशन। अब ये प्रोसेस आप करते हैं तो 7 मिनट से 30 मिनट तक आप इजैकुलेशन को लंबा कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टडीज में बताया कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मेथड्स का, तो आप एवरेज में 30 मिनट तक इजैकुलेशन को लंबा सकते हैं। अभी आपको लंबा करना है इसको टाइम को, और टाइम आपको लंबाई मतलब ज़्यादा चाहिए, आधा घंटा एक घंटा चाहिए, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे SSRI ग्रुप की जो दवाई है वो दवाई आप लेते हैं तो इससे इजैकुलेशन डिले होता है। SSRI में स्पेशली सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सेटिन हाई डोजेज में डेपॉक्सिटिन, ये दवाई आप लेते तो उसका फायदा होता है। और फिर दूसरा, खुदा ना खास्ता यदि समझो ऐसा होता है कि आपका इजैकुलेशन हो गया, तो आप यदि सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, वर्दनाफिल ये दवाई लेते हैं तो आपका सेकंड टाइम आप सेकंड राउंड कर सकते हैं, जिसमें फिर इजैकुलेशन होगा नहीं जल्दी, और आप सेकंड टाइम आप उसका एंजॉयमेंट बहुत अच्छा कर सकेंगे, एजिंग सेकंड टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी निकलेंगे ही नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।